परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सतीश तिवारी आपका स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन ऑफ लैग्रेंजस फॉर्म, दैट इज़ पीपी प्लस क्यूक्यू इक्वल्स टू आर, और हम इसको सॉल्व करने वाले हैं मेथड ऑफ ग्रुपिंग से। मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए, वीडियोस लेक्चर्स जिसमें मैंने लैग्रेंजस फॉर्म को सॉल्व किया हुआ है। इट इज़ बाय मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स एंड एज वेल एज वी यूज द फर्स्ट सोल्यूशन टू ऑब्टेन द सेकेंड सोल्यूशन। हम कैसे करते हैं तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने पीपीटी का यूज़ किया हुआ है लेक्चर को समझाने के लिए, बिकॉज पीपीटी से बहुत आसान हो जाता है लेक्चर को समझाना, बिकॉज मैथमेटिकल इक्वेशंस, मैथमेटिकल सिंबल्स एकदम क्लियरली दिखते हैं उसके अंदर, और बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। आप भी ज़रूर देखिएगा इसको, एकदम आपको अच्छे से पूरा टॉपिक समझ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर, दैट इज़ ऑन लैग्रेंजस फॉर्म वी सॉल्व बाय इट इज मेथड ऑफ ग्रुपिंग। Let us start with examples on grouping method. We are having the example as solve y square p minus xy cube equals to x z minus 2y. So this equation we have to solve. Okay. So what we do here, we just write down the given equation first of all as it is, or maybe it is in the standard form. Okay, if it is not there. So यहाँ पे already ये standard form में हमको दिख रहा हुआ है, because p हमें पहला term दिख रहा है और q का second term दिख रहा है और ये RHS part है। अब इसके बाद हमारा job होता है कि हम Lagrange's auxiliary equations लिखिए। Okay, so Lagrange's auxiliary equations are given by, then it is dx upon y square. So what is this y square? It is a coefficient of small p. Okay, this dy upon, it is coefficient of small q, that is minus xy. Then dz upon the RHS part. Okay, this is small p stand for what? Del z by del x, and small q stand for what? Del z by del y. Okay, this is our first order, first degree partial differential equation that we are solving by, it is grouping method. ठीक है, तो हम group method में क्या करते हैं, हम grouping करते हैं ratios का। जैसे ये दो ratio का हम grouping कर सकते हैं, या otherwise सेकेंड थर्ड का कर सकते हैं, या अदर फर्स्ट और लास्ट का कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको ऑब्जर्व करना है कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं। जैसे अगर मैंने फर्स्ट टू का ग्रुपिंग किया तो आपको देखना क्या, ऊपर में अगर डी एक्स और डी वाई है, मतलब एक्स और वाई है, तो नीचे में भी सिर्फ एक्स और वाई के टर्म्स होने चाहिए, तभी हम उसको ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज वो इंटीग्रेशन फॉर्म में, इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाता है, जिससे वो इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देखो y भी कैंसिल हो जा रहा है और x और y के टर्म्स ही नीचे में आ रहे हैं, मतलब हम ये पहले दो रेशो ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करने के लिए ले सकते हैं। सो आई कंसिडर दैट फर्स्ट टू रेशो एंड आई कैंसिल द y, सो आई विल गेट हियर देन फर्दर एज इट इज डी एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू डी वाई अपॉन माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं, ये जो x है इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, y को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, सो आई कैन राइट डाउन द नेक्स्ट इक्वेशन एज माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज इन द फॉर्म एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो। नाउ अब ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है, बिकॉज x के साथ डी एक्स है, y के साथ डी वाई है, तो इंटीग्रेशन बहुत इजिली पॉसिबल है। सो आई डू द इंटीग्रेशन एंड आफ्टर इंटीग्रेशन वॉट वी विल गेट हियर, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय टू, एंड देन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दैट वी टेक एज इट इज व्हाट a बाय टू। अब देखिए हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने यहाँ पे a बाय टू लिया, आप a भी ले सकते हैं। ओके, अब मैंने a बाय टू इसलिए लिया, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, कंप्लीट इक्वेशन को, तो मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a। अगर आपने यहाँ पे a लिया रहता तो, अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई रहता तो यहाँ पे क्या आ गया रहता, 2a, और उस 2a को हम कोई अदर कांस्टेंट से भी डिनोट कर सकते थे, वैसा भी आप कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी अगर हमने कॉन्स्टेंट लिया तो भी चलेगा। तो ये हमारा हो गया पहला सोल्यूशन। तो पहले सोल्यूशन को हम डिनोट करते हैं u से, इट इज u ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। अभी हमारा पहला सोल्यूशन आ गया, हमको एटलीस्ट दो सोल्यूशन निकालने ही पड़ते हैं, बिकॉज हमको जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है इसका। ओके, तो इसके लिए आपको u और v ऐसे दो वेरिएबल निकालने हैं, दे आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड। तो हमने पहला वाला जो सोल्यूशन निकाला वो कैसे, फर्स्ट टू रेशो को ग्रुप किया। अब सपोज अगर हम करते हैं फर्स्ट और थर्ड रेशो ग्रुप, तो देखिए ऊपर में है dx और dz, नीचे में देखिए y का टर्म आ रहा है, x का टर्म आ रहा है और z का टर्म आ रहा है। तो ऊपर में अगर x और z है तो नीचे में भी x और z ही चाहिए। ओके, मतलब y हमारा कैंसिल हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, y इजिली कैंसिल बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं, हम ये दोनों का ग्रुपिंग नहीं लेते हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। उसके बाद हम चेक करते हैं कि सेकेंड और थर्ड रेशो का ग्रुपिंग पॉसिबल है क्या नहीं। यहाँ पे डी वाई डी जेड है, तो नीचे में भी वाई और जेड चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक्स आ रहा है, बट वो एक्स कैंसिल भी हो रहा है,
अगर x कैंसिल हुआ तो मुझे y और z के टर्म्स मिलेंगे सिर्फ, तो उसके बाद हम उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में ला सकते हैं, देखते हैं वो पॉसिबल है कि नहीं। सो मैं ये दो रेशियो यहां पे कंसिडर करता हूं, ठीक है, सेकेंड और थर्ड। सो आई जस्ट राइट डाउन देयर सेकेंड एंड थर्ड रेशियो एंड आफ्टर दैट आई जस्ट कैंसिल दी x, सो आई विल गेट दिस क्वांटिटी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो दिस क्वांटिटी विल बी रिटन एज, यहां पे आ जाएगा ये माइनस वाई डी जेड आएगा, जिसको हम LHS में लेके जाएंगे तो प्लस वाई डी जेड हो जाएगा। ओके, आई सपोज दिस इज क्लियर। अब ये जो dy है, मैं दोनों टर्म में मतलब मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं इट इज व्हाट, z इनटू dy माइनस टू वाई डी वाई प्लस वाई डी जेड। ओके, अब देखिए z dy का तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द y, बिकॉज ये z है और ये dy है। वैसे y dz का भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इंटीग्रेशन अगर पॉसिबल है तो ये 2y dy का है, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ओके, बट ये दोनों की हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, बट हम एक चीज कर सकते हैं, क्या, देखिए मैं ये दोनों टर्म को साथ में लिख लेता हूं, z dy प्लस y dz। अगर आपको याद होगा तो मैंने जो पहला लेक्चर लिया था लैग्रेंजेस फॉर्म के ऊपर, तो वहां पे एक मैंने प्रोडक्ट रूल वाला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला बताया था, तो वो फॉर्मूला ये है, इट इज डिफरेंशियल ऑफ वाई जेड, ओके, इज नथिंग बट व्हाट, जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड। कैसे, देखो एक फंक्शन लिया जेड, बाद में दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस बाद में दूसरा फंक्शन एज इट इज वाई और इसका डेरिवेटिव दैट इज डी जेड। तो यहां पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया और इस क्वांटिटी को मैं रिड्यूस कर सकता हूं या लिख सकता हूं इट इज डिफरेंशियल ऑफ वाई जेड। ओके, और वैसे हम इस क्वांटिटी को भी लिख सकते हैं इट इज टू वाई डी वाई को डिफरेंशियल ऑफ इट इज व्हाट, वाई स्क्वायर। ओके, बिकॉज अगर हमने वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया दैट विल बी टू वाई और वाई का डेरिवेटिव डी वाई। ओके, मतलब ये चीज यहां पे आ जाएगी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं फिर ऐसा भी, या अदरवाइज नहीं लिखा तो भी चलेगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, बिकॉज वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय टू आना है और ये टू कैंसिल हो जाना है, आपको मिलने वाला है सेम चीज ही। ओके, लिखा तो भी चलेगा। नाउ जस्ट आई डू द इंटीग्रेशन, इफ आई डू द इंटीग्रेशन दिस डी विल गेट कैंसल आउट, सॉरी दिस डी विल गेट वैनिश, बिकॉज हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर है, आपको पता है। तो मुझे मिलेगा इट इज व्हाट, वाई जेड माइनस इट इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी। ये हमारा हो गया सेकंड सॉल्यूशन। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं वी से, तो हमने पहला सॉल्यूशन यू निकाल लिया, सेकंड सॉल्यूशन वी निकाल लिया, तो अब हम लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ लैग्रेंजेस फॉर्म, और कंप्लीट सॉल्यूशन भी कहते हैं हम, दैट इज गिवन बाय पाई ऑफ यू वी इक्वल्स टू जीरो। तो यू हमारा था इट इज व्हाट, जो पहला क्वांटिटी हमने लिया था, बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड आउट किया था, और वी अभी फाइंड आउट किया इट इज व्हाट, वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर। इसको यहां पे लिख देंगे हम, कांस्टेंट नहीं लिखना याद रखो, ठीक है, इट इज नथिंग बट पाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर, या फिर आप कांस्टेंट अगर लिखेंगे तो यहां पे ए और बी आने चाहिए कांस्टेंट्स, और उनके जगह पे फिर आपको ये फंक्शंस लिखने हैं फिर। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हमने पहला एग्जांपल सॉल्व किया, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम एकदम फास्ट तरीके से कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, दैट इज ग्रुपिंग मेथड से ये लैग्रेंजेस फॉर्म की एग्जांपल। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड एग्जांपल, दैट इज सॉल्व पी टेन एक्स प्लस क्यू टेन वाई इक्वल टू टेन जेड। पहला हमारा जॉब है कि उसको चेक करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पी पहले आना चाहिए, क्यू बाद में आना चाहिए, बाद में इट इज आर एच एस ऑलरेडी है, तो गिवन इक्वेशन हम एज इट इज लिख देते हैं। इसके बाद हमारा जॉब है कि हम लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे, एंड दैट विल बी गिवन बाय इट इज वॉट, डी एक्स अपॉन टेन एक्स डी वाई अपॉन टेन वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन टेन जेड। आई सपोज ये क्लियर है, डी एक्स के नीचे क्या आता है टेन एक्स, सो टेन एक्स इज अ कोएफिशिएंट ऑफ पी, dy के नीचे tan y, tan y is the coefficient of it is what q, and equals to it is what dz upon the RHS part. Okay, अब स्टार्ट करते हैं, सो चेक करना है ग्रुपिंग से सॉल्व होता है या नहीं। सो ये दोनों को अगर मैं ग्रुप करता हूं फर्स्ट और सेकंड, तो ऊपर में dx dy है, नीचे में tan x और tan y है, मतलब x और y के टर्म्स है, तो मतलब इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ओके, बिकॉज यहाँ पे x और y के टर्म्स ही दिख रहे हैं, तो हम पहले दो रेशियो को कंसिडर करते हैं एंड वी डू द इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन करने के पहले मैं क्या करता हूँ, देखो 1 बाय टेन एक्स है, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 1 बाय टेन एक्स मतलब क्या होता है, इट इज वॉट cot x, because reciprocal tan x and cot x are reciprocal of each other, वैसे 1 upon tan y क्या हो जाएगा cot y। अब इंटीग्रेशन बहुत आसान है, cot x का इंटीग्रेशन और cot y का इंटीग्रेशन करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है इसका। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है, इट इज log of yes sin x, yes it is log of sin x, वैसे cot y का इंटीग्रेशन होता है log of sin y plus log a। आई सपोज दिस इज क्लियर। अब देखिए कॉन्स्टेंट यहाँ पे मैंने लॉग ए ले लिया, अब हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने कॉन्स्टेंट यहाँ पे लॉग ए ले लिया, आप ए भी ले सकते हैं, ठीक है, मैंने लॉग ए ले लिया बिकॉज ये लॉगरिथमिक फिर यहाँ से हट जाएगा टर्म। देखिए लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता है क्या होती है, इट इज लॉग ए प्लस लॉग बी इज वॉट, लॉग ऑफ ए इंटू बी, मतलब साइन वाई इंटू ए हो जाएगा लॉग ऑफ दिस क्वांटिटी। अभी लॉग मुझे हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल टेक द
एक्सपोनेंशियल टू बोथ द साइड. ओके, ये लॉग डायरेक्टली इस तरह से कैंसिल नहीं होते हैं, ये एलओजी और एलओजी कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं होता है. हमको एक्सपोनेंशियल लेना पड़ता है दोनों साइड में. एक्सपोनेंशियल लिया तो हम लिख सकते हैं इस क्वांटिटी को कैसा, लॉग हट जाएंगे, दैट इज साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई इंटू ए. अब मुझे क्या करना पड़ता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई को इक्वेट करना पड़ता है सम कांस्टेंट सम से. तो मैं साइन वाई को नीचे में ला लूंगा तो हो जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन वाई इक्वल टू ए. तो दिस इज अवर फर्स्ट सोल्यूशन. इसको हम डिनोट करते हैं यू ऑफ एक्स वाई जेड से. ओके, ये हो गया पहला सोल्यूशन. अब निकालना है हमको सेकेंड सोल्यूशन. सेकेंड सोल्यूशन के फिर से चेक करते हैं ग्रुपिंग से सॉल्व होता है क्या. जैसे फर्स्ट और थर्ड रेशो लिया, सो डी एक्स और डी जेड है, नीचे भी टैन एक्स और टैन जेड है, मतलब सॉल्व हो सकता है बिकॉज एक्स और जेड की टर्म है. या फिर आप सेकेंड और थर्ड रेशो भी ले सकते हैं डी वाई डी जेड. यहाँ पे देखिए टैन वाई और टैन जेड है, मतलब सेकेंड और थर्ड लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको दोनों में से एक ही रेशो लेना है यहाँ पे, बिकॉज हमको सिर्फ दो सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं, तीन सॉल्यूशन नहीं निकालने पड़ते हैं. ठीक है, तो आप कोई भी रेशो ले लीजिए. मैं यहाँ पे सपोज लेता हूँ सेकेंड और थर्ड वाला. ओके, सेकेंड थर्ड हम लेते हैं तो देखिए सिमिलर वैसे ही हमको सॉल्व करना पड़ेगा. टैन वाई को हम ऊपर लेके जाएंगे, टैन जेड को हम ऊपर लेके जाएंगे, मतलब वन बाय टैन वाई इज वॉट कॉट वाई, वन बाय टैन जेड इज वॉट कॉट जेड. इंटीग्रेशन कर देंगे, कॉट वाई का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ यस साइन वाई, वेरी गुड. देन कॉट जेड का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ इट इज साइन जेड एंड प्लस द लॉग बी हम कॉन्स्टेंट ले लेते हैं. ओके, बाद में लॉग ए प्लस लॉग बी हमने अप्लाई कर दिया प्रॉपर्टी, सो हो जाएगा लॉग ऑफ साइन जेड इंटू ए. लॉग हटाने के लिए हम लेंगे एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल लिया तो हमको मिलेगा इट इज वॉट साइन वाई इक्वल्स टू इट इज साइन जेड इंटू ए. अब हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन ऑफ वाई जेड है इसको एक साइड में डाल देते हैं, मतलब साइन जेड नीचे डाल लिया मैंने, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन वाई बाई साइन जेड इक्वल्स टू ए. दिस इज क्लियर. और ये हमारा हो गया सेकंड सोल्यूशन. सेकंड सोल्यूशन दैट इज वी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू साइन वाई साइन जेड इक्वल्स टू ए. अब जनरल सोल्यूशन लिख देते हैं, दैट इज कंप्लीट सोल्यूशन एंड दैट इज गिवन बाय फाइ ऑफ यू वी इक्वल्स टू जीरो. ओके, एंड दैट इज नथिंग बट यू हमने ये लिया साइन एक्स साइन वाई निकाला था और वी निकाला साइन वाई बाय साइन जेड, पुट अप किया विच इज इक्वल टू जीरो. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन लैग्रेंजेस फॉर्म. सो देखिए अगर मैंने फर्स्ट और थर्ड रेशो लिया रहता तो मुझे आंसर क्या मिला रहता, दैट आंसर विल बी हियर इट इज व्हाट, फर्स्ट और थर्ड में साइन एक्स बाय साइन जेड. मैंने सेकंड और थर्ड लिया तो मुझे साइन वाई बाय साइन जेड मिला, और फर्स्ट और थर्ड लेता तो साइन एक्स बाय साइन जेड. दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट आपको सिर्फ दो ही सोल्यूशन निकालने हैं, इतना आपको याद रखना है. आपको मैं एक सोल्यूशन एक एग्जाम्पल से प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, इसको आप कीजिएगा. ये एग्जाम्पल भी यूनिवर्सिटी में आया हुआ है एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल इज वाई स्क्वायर जेड एक्स इंटू पी प्लस एक्जेड क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर. ऑलरेडी स्टैंड फॉर्म में है, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए और ग्रुपिंग से इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा फिर. ओके, आई सपोज दिस इज क्लियर टू यू. ओके, और अगर कोई भी दिक्कत अगर आपको होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप, और मैं उसको डेफिनेटली सॉल्व करूंगा. ये मैंने लेक्चर टू लिया हूँ, हम लैग्रेंजेस फॉर्म पे लेक्चर वन टू थ्री फोर की सीरीज यहाँ पे लिए हैं, क्योंकि क्या है कि आपको पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल से पूरा क्लियरली लैग्रेंजेस फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं वो नहीं समझेगा, इसलिए मैंने हर एक मतलब 10-10-15-15 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने इसको समझाने की कोशिश किया हूँ. दैट इज मेथड ऑफ ग्रुपिंग से हम कैसे सॉल्व करते हैं, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से हम कैसे सॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ फिर हम पहले सॉल्यूशन का यूज करके सेकंड सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं. तो इसके लिए मैंने अलग अलग वीडियोज बनाए हुए हैं, तो उनको आप जरूर देखिए. ये लेक्चर टू था हमारा, नेक्स्ट हमारा फिर लेक्चर थ्री रहेगा, उसको आप इजिली देख सकते हैं. और मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा उसका, उसको आप इजिली जाके फिर देख सकते हैं. सो एट लास्ट आई विल से इट इज व्हाट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और मुझे पता है कि आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला हुआ है इस वीडियो से. सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. ओके, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच. और यहाँ पे मैंने आपको प्लेलिस्ट दी हुई है, देखिए लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, आपको जो डिफरेंट लेक्चर्स हैं इसके ऊपर तो वो सब मिल जाएंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, मतलब जो मैंने हायर ऑर्डर पे सॉल्व किए हुए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे और लैग्रेंजेस फॉर्म पे, सभी के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे. और साथ ही साथ कुछ रिलेवेंट वीडियो भी मैंने दिए हुए हैं, अगर आपके रिलेवेंट है वो, मतलब आपके काम के हैं, तो जरूर देखिए. एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच.